प्रीति की रसोई में आज हम बनाएंगे कच्चे टमाटर की सब्जी। जी हाँ, कच्चे टमाटर से बनाएंगे और वो बहुत ही स्वादिष्ट और मस्त सब्जी बनके तैयार होती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कच्चा टमाटर लिया है, ये 300 ग्राम टमाटर है। इसको हमने दो तीन पानी अच्छे से धो लिया है और इसका पानी सुखा लिया है, पोंछ लिया है पानी। तो अब हम इसको काटेंगे, तो बीच से काटेंगे और इसका डंठी वाला भाग काट के निकाल देंगे और इसको हम लंबा लंबा ऐसे मोटा मोटा स्लाइस काटेंगे। देखिए ऐसा ही हम सारा काटेंगे। तो सारा हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सारा कट गया है। तो हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई में हम सरसों तेल डालेंगे 2 से 2.5 टेबल स्पून। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 फोरन 1 चम्मच, 2-3 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंग डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसको हमने घिस लिया था डाल देंगे और 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन डालेंगे और अब हम इसमें 3-4 हरी मिर्च डालेंगे, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है डाल देंगे। और मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम प्याज को डाल के इसको चला लेंगे बढ़िया से और अब हम डाल देंगे इसमें 5-6 कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता डाल के हम इसको चला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसका कलर चेंज होने तक यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए भूनते हुए 4 मिनट हो गए, ये भून चुका है। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये 2 टमाटर बड़े साइज का और फिर अब हम इसको चला लेंगे और उसके बाद चलाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। टमाटर गया तो नमक जाएगा, नमक डालिए तो टमाटर जल्दी गल जाता है। तो स्वाद अनुसार हम डाल देंगे और उसके बाद हम फिर चलाएंगे और फिर अब हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी गल जाए। हम इसको ढक के पका लेंगे मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए। ये देखिए 2 मिनट हो गए, अब ढक्कन हटाएंगे और चलाएंगे। और अब हम मसाला डालते वक्त फ्लेम को कम कर देंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती है, थोड़ा कलर के लिए डाल रहे हैं कि अच्छा कलर आता है। और अब हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून और अब हम 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इन सबको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए और एक में मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढक के पका लेंगे लो फ्लेम पे करीब 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए और ये देखिए हमारा तेल भी छोड़ दिया है मसाला। और अब हम इसको चला लेंगे बढ़िया से। अब हम इसमें ये कटा हुआ कच्चा टमाटर डाल देंगे जो हमने अभी काट के रखा था, फिर डाल के अब हम चलाएंगे, थोड़ा सा बढ़िया से मिला लेंगे। और अब हम इसको ढक के पका लेंगे 2 मिनट के लिए, हमने लो फ्लेम ही रखा है। और ये देखिए 2 मिनट हो गए, फिर अब हम इसको चला लेते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो 1 कप हम पानी डाल देते हैं इसमें और फिर हम चलाएंगे और फिर हम 1/2 कप पानी डालेंगे। तो हमने 1.5 कप पूरा पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप रखें। अब हम पानी डाल के और इसको चला देंगे और उसके बाद हम ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पे करीब 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसको। और ये देखिए हमारे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन हटाएंगे और देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे और गैस को बंद करेंगे और चलते हैं सर्व करने। तो लीजिए हमारे कच्चे टमाटर की सब्जी बनके तैयार है। देखा आपने कितना आसान है बनाना और ये सब्जी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। कच्चा पक्का दोनों टमाटर है ना, तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसका।
तो इसको आप रोटी पराठा या फिर चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस सब्जी को आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।